गाइस एंड अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो इफ यू आर न्यू टू माय चैनल देन आई एम सबा एंड आई एम अ बुकस्टाग्रामर एंड अ बुक ट्यूबर फ्रॉम कराची पाकिस्तान। एंड आई होप आपको मेरे चैनल पे बहुत मजा आएगा, मेरी वीडियोस को देख के बहुत मजा आएगा, मुझसे बातें करके। अच्छा पता है क्या, आज की जो वीडियो है ना, मतलब आज तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। एक जब मैंने अपने बर्थडे का बुक हॉल किया था, जो मेरी फर्स्ट वीडियो थी, उसमें मैं बहुत खुश थी, और एक आज मैं बहुत खुश हूँ बिकॉज फॉर टुडेस वीडियो आई एम कोलैबोरेटिंग विद दी मोस्ट फेमस बुक स्टोर ऑफ पाकिस्तान एंड माई पर्सनल फेवरेट। लाइक मेरा जो शेल्व्स है ना, वो इनकी बुक्स से भरे हुए हैं। मेरी सारी जो बुक्स होती हैं ना, वो यहीं से होती हैं। लाइक आई एम सो 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 हैप्पी एंड आई फील सो ऑनर्ड दैट आई फॉर दिस वीडियो आई एम कोलैबोरेटिंग विद दी रीडिंग्स। सो द आइडिया बिहाइंड दिस कोलैबोरेशन एंड द वीडियो इज वेरी सिंपल। सिंस इट्स लाइक अ फेस्टिवल सीजन, क्रिसमस इज अराउंड द कॉर्नर और सर्दियाँ भी शुरू हो गई हैं, एंड पीपल यू नो लाइक टू जस्ट रीड वेरी लाइट एंड वेरी कनेक्टिंग रीड। सो आई थॉट दैट व्हाई नॉट टू गिव यू अ रिकमेंडेशन रिगार्डिंग द कम्फर्टिंग, इंजॉयबल एंड हार्ट वार्मिंग रीड। सो हियर दे आर इन टुडेज वीडियो। द टू बुक्स विच आई पिक, फर्स्ट इज द वेरी क्लासिक एंड अ क्रिसमसी टेल, अ क्रिसमस कैरल बाय चार्ल्स डिकेंस, एंड द सेकेंड इज द प्योर वाइब ऑफ क्रिसमस कमिंग टुगेदर विद द सोफी किनसेलास एंड द क्रिसमस शॉपोहॉलिक। सो इन टुडेज वीडियो आई एम गोइंग टू गिव यू अ लिटिल रिव्यू अबाउट दीज टू बुक्स, एंड थ्रू दिस वीडियो आई ट्राई माई लेवल बेस्ट टू गिव यू ऑल द रीजन टू बाय दीज टू बुक्स। दोनों नहीं तो कोई एक तो खरीद ही लेंगे आप लोग, डेफिनेटली आई एम श्योर बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो। सो या विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर मिनट्स, लेट्स गेट इनटू द स्पिरिट ऑफ क्रिसमस एंड द बुक्स। एनीवे स्पेशल मेंशन टू दिस न्यू प्लांट विच आई गॉट फॉर माय कॉर्नर, और यार मतलब इतना प्यारा है, इसने आते ही ना वाइब को जो है 10 से 100 पर पहुँचा दिया। लव दिस, और आई माइट ऐड अनदर वन कहाँ पे मुझे भी नहीं पता, लेकिन मैं करूँगी ज़रूर क्योंकि मुझे बहुत अच्छी वाइब दे रहा है। यही पता है सोफी किनसेला के बारे में, तो मैं आपको बताती चलूँ, इनकी शॉपोहॉलिक सीरीज़ बहुत फेमस थी। लाइक आई डोंट रिमेम्बर कि कोई ऐसा रीडर होगा जिसने शॉपोहॉलिक सीरीज़ ना पढ़ी हो, पर एक ऐसा रीडर है जिसने शॉपोहॉलिक सीरीज़ कभी नहीं पढ़ी, और वो है, यस दैट्स मी, दैट इज़ लाइक माई फर्स्ट बुक फ्रॉम सोफी। क्योंकि मैंने इसको बुकस्टाग्राम पे बहुत ज़्यादा देखा था लोगों को बात करते हुए, एंड व्हेन आई सॉ इट ऑन द रीडिंग तो मैंने कहा यार मतलब उड़ा लो, डेफिनेटली हर बुक ब्लॉगर बात कर रहा है तो डेफिनेटली इसके अंदर कुछ अच्छी चीज़ होगी। सो जब मैंने उठा ली, ले ली, पढ़ ली, ये मुझे सैटरडे को मेरा पैकेज मिला है, और संडे की रात तक मैंने इस बुक को ख़त्म कर दिया था। इट इज़ सो गुड, सो डिलाइटफुल, सो इन्जॉयबल, सो हार्ट वार्मिंग, लाइक परफेक्ट क्रिसमस रीड, 10/10 फॉर दिस बुक। वॉट आई रियली थिंक कि जब मैंने बुक ख़त्म कर ली ना, ठीक है, बहुत एक तो इंगेजिंग बुक थी, लिटरली बहुत इंगेजिंग और बहुत फन रीड थी। आई थॉरली इंजॉय रीडिंग कैरेक्टर्स को, जब मैं पढ़ रही थी तो मुझे ऐसा नहीं लग रहा था, द लीड वन बैकी, उनको पढ़ के मुझे बिल्कुल ऐसा नहीं लगा कि मैं फर्स्ट टाइम उनसे मिल रही हूँ। लाइक एज अ रीडर मैं फर्स्ट टाइम उनके बारे में पढ़ रही हूँ। इट्स लाइक बैकी इज समवन विथ होम यू कैन रिलेट, ऐसी चीज़ या ऐसे कैरेक्टर्स देखते हो ना जिनके बारे में ऑथर ने, मतलब जिनके मिसहैप्स ऐसे शो किए होते हैं कि जिनसे आप फौरन रिलेट कर जाते हो। सो दैट इज़ लाइक माई केस विथ सोफी किनसेला कैरेक्टर बैकी, हु इज़ वेरी एक्साइटेड टू होस्ट द क्रिसमस पार्टी एट हर होम, बाय क्रिसमस गिफ्ट फॉर हर फ्रेंड्स फैमिली, बट देन देयर इज़ वन प्रॉब्लम, लाइक ऑलवेज देयर इज़ अ प्रॉब्लम, एंड द प्रॉब्लम इज़ दैट बैकी इज़ ऑब्सेस्ड विथ शॉपिंग। नाम से ही लग रहा है, लाइक मतलब यार शॉपोहॉलिक सीरीज है तो द गर्ल हैज़ टू बी समवन हु इज़ वेरी इंटरेस्टेड इन शॉपिंग। लाइक दिस इज़ द पार्ट विच रियली एक्साइट मी व्हेन आई स्टार्टेड रीडिंग, कि मतलब उसके बाद जो भी थोड़े से पैसे आ रहे थे ना, शी इज़ लाइक कि मैं मतलब स्पेंड कर दूँ, शॉपिंग कर लूँ। सो दैट इज़ लाइक अ सिमिलर केस विथ मी, मेरे पास कभी भी पैसे आते हैं ना तो मेरा फर्स्ट टाइम यही होता है कि यार मतलब बुक्स ले लो, कुछ खाने को ले लो, कहीं खाने चले जाओ, मार्केट चले जाओ, कोई बैग ले आओ, कुछ कर लो, लाइक just like a normal girl. I think you all had like some very you know laughable moment. Like one moment I remember that there is this scene where she bought an Alexander McQueen dress on a very good sale, which was like 70%, and then she bought it, theek hai usse le liya, but then she realized that that dress is too small for her, so she started working out. The main point is she bought it because that was on sale. Like
टोटली रिलेटेबल यार. मतलब इस बुक को पढ़ के ना मुझे हर पेज पे ऐसा लग रहा था कि ये जो बात यहाँ हो रही है, जो इवेंट हो रहा है ना, इससे कोई ना कोई लड़की तो ज़रूर रिलेट करेगी. सो आई थॉट दैट बैकी वॉज वन ऑफ अस. हम में से ही एक कैरेक्टर बैकी का था जो इसमें रहा, और इसी की वजह से आई एम गोइंग टू बाय शॉपाहोलिक्स सीरीज टू नो मोर अबाउट बैकी एंड हर स्टोरीज. सो फर्दर मोर, अगर किसी को ये हो कि ये सीरीज है और हमें कैरेक्टर समझ नहीं आएंगे, हमें राइटिंग समझ नहीं आएंगी, जो कि लाइक लेजर इश्यू हर रीडर के साथ होता है व्हेन दे स्टार्ट लाइक अ न्यू राइटर. सो लेट मी टेल यू, इफ यू लाइक जस्ट पिक दिस वन बुक, यू कैन रीड इट लाइक स्टैंड अलोन. आपको हर कैरेक्टर समझ आ जाएगा, आपको पूरी स्टोरी समझ आ जाएगी, एंड यू विल लाइक दैट. It won't be like that you are meeting these characters for the first time. It will like these characters will embrace you with open arms. Like itna connection aayega aapko. And I guess like this book is like your perfect Christmas read. Aap aaram se uthaye, baithe, padhe, aapko matlab ekdam se hi aapko just brighten up. It will just brighten your mood. So yeah, that is my first pick from readings for my comforting Christmas read. So the next recommendation, I have this A Christmas Carol by Charles Dickens. Now this is a very classic tale of Christmas. I don't think so कि अगर आप YouTube पर भी जाते हैं या आप किसी book blogger का blog भी पढ़ते हैं तो हर जो recommendation होती है ना Christmas read में, इस बुक के बगैर जो होती है वो इनकम्प्लीट होती है. इस बुक को मैंने 2 से 3 बार पढ़ा है. लाइक मैंने ये बुक फर्स्ट टाइम पढ़ी थी 2019 में और 18 में प्रॉब्ली. उसके बाद भी मैंने पढ़ी क्योंकि मैं इस बुक को 3 पार्ट्स में डिवाइड करूँ. एक तो है हमारे पास रिडेम्पशन, ठीक है. दूसरी है द अफेक्ट्स ऑफ लाइक द नेगेटिव इफेक्ट ऑफ आइसोलेशन. और तीसरा पार्ट हमारे पास जो इस बुक को डिफाइन करता है बहुत क्लियरली, वो है द इम्पॉर्टेंस ऑफ लव, काइंडनेस एंड यू नो द एम्पथी. जो हमारे इस नॉवल के या इस नॉवल के जो मेन कैरेक्टर है मिस्टर स्क्रूज, ही इज़ अ वेरी ग्रम्पी ओल्ड मैन, अ वेरी एरोगेंट. और मतलब वो अकेले रहते हैं, लाइक ही लिव्स इन आइसोलेशन ऑल बाय हिमसेल्फ. और क्योंकि इनको लगता है कि जो बाहर के लोग हैं या जो बाहर की दुनिया है वो बहुत ही अनइंटरेस्टिंग है, और मतलब उनको बस लगता है कि वो ही हैं जो हम कहते हैं ना अकले कुल, अपने आप को समझना सलीस उर्दू में. तो जी ये इनके साथ केस था, ये अपने आप को अकले कुल. क्रिसमस इज अराउंड द टाउन इज गेटिंग ऑल यू नो पम्प्ड अप विद द स्पिरिट ऑफ क्रिसमस सेलिब्रेशन फेस्टिविटीज एंड ऑल दैट. लाइक पीपल वर इन वेरी चेयरफुल मूड, बट मिस्टर स्क्रूज देयर आर यू नो द मेन जिनके बारे में नॉवेल है, ये जो थे अलग ही अलग बैठे हुए थे. उन्होंने कहा नहीं भाई, हमने तो क्रिसमस को कुछ मनाना ही नहीं, हमने तो खुश ही नहीं होना. अगर हम खुश हो गए तो ज़िंदगी आसान नहीं हो जाएगी, और हमें तो अभी ज़िंदगी मुश्किल बनानी है और साथ साथ दूसरों की भी. तो इन्होंने पूरी कोशिश करी कि दूसरों की ज़िंदगी भी अपनी एरोगेंस से मुश्किल बनाएं. एज आई से दैट हर सॉरनेस के पीछे कुछ ना कुछ होता है, सो देयर वाज अ रीज़न एज वेल दैट व्हाई मिस्टर स्क्रूज एक्टेड लाइक हाउ ही एक्टेड. सो व्हाट हैपेंस एक्चुअली, ही स्टार्टेड गेटिंग dreams or visits, I would say a visit because they were very very visible visits. He started getting visits by the ghost of his past, by his best friend and his family. I remember Mr. Marley, he was his like best friend. So he got a visit by his ghost. और फिर क्या होता है, फिर उनको बताया जाता है कि उन्होंने कितना गलत किया है. उनको इनका पास्ट, उनका प्रेजेंट, उनका फ्यूचर दिखाया जाता है. दैट द सेम गोस्ट विच शोड हिम. फिर क्या होता है जी, फिर जो है ना ये नॉवल बड़े मज़े का होता है. फिर आपका स्टार्ट होता है रिडेम्पशन. कुछ बदलते हैं व्हेन ही रियलाइज दैट हाउ रॉन्ग एंड हाउ पैथेटिक ही वाज, एंड देन ही स्टार्टेड चेंजिंग इट. नाउ दैट इज़ लाइक द बेस्ट पार्ट अबाउट दिस बुक. लाइक इट शोज़ यू कि हर कोई जो है ना वो काइंडनेस डिजर्व करता है. इफ यू सी दैट समवन बीइंग नेगेटिव, यू जस्ट कांट लीव देम अलोन. You try your earnest, you try your hardest best to show them the what they are lacking. वो जो ghost था Mr. Marley का, उसने दिखाया कि मतलब वो क्या miss कर रहे हैं. वो बहुत fun miss कर रहे थे, वो लोगों का compassion miss कर रहे थे. People adored him, even though he was very negative, he was very sour with the people. Yet people adored him, yet people wanted him to be a part of their happiness. And I guess that's the most beautiful part about this. You know what Christmas really is about? The message of Christmas, it's like a celebration, it's like spreading joy. So despite like wo itne negative person the, unka behavior itna negative tha, unke jo nephew tha, his only family, even though Mr. Scrooge was very rude with him, he still invited him
for his Christmas party. And that is the joy of Christmas. You just cannot leave people alone. Eid, ya chahe Eid ho, Ramzan ho, ya Christmas ho, ya koi bhi ho, Diwali ho, anything. These festivals are all about, you know, spreading happiness, spreading joy, connecting with people, avoid grudges, forget about all the negativity, and just, you know, hug it. It's like the message of Christmas Carol, and that makes this book is like one of the perfect reads. Actually tells you the right message of Christmas, that what Christmas is all about and what Christmas should be all about. And that's why this book is supposed to be and is actually the best read of Christmas. And with that, we have reached towards the end of this video, and here are my two final recommendations for the perfect Christmas read. One is The Christmas Carol by Charles Dickens, and the second is The Christmas Shopaholic by Sophie Kinsella. One is all about like shopping, the vibes of Christmas, the preparation for the Christmas, the festival season, and you know, just be with your family and have fun buying them gifts and making them dinner, all that. And book, The Christmas Carol, my second pick. This book is like perfect tale of a Christmas or any festival. The message is very beautiful. Like, jo bhi ho, kuch bhi ho, be kind to everyone. Even though, okay, sometimes we come across with negative people who gives us negative vibe, but that doesn't mean that we should ignore them. But the thing is, when it's a festival, when it's a Christmas, it's all about spreading joy. And that is like the perfect pick for the Christmas. And with that, we're gonna end this video. Or I hope that you like these books, these recommendations. Main inko jo hai inke links ki aap log ki kahan se khareed sakte hain, main ye sab mention kar dungi description mein, so you can go there and buy from the readings. And this is again, जैसे कि मैंने, अगर आप लोगों ने मेरा book haul देखा हो तो मैंने उसमें बताया था कि readings की जो अपनी publications हैं, जो वो classics को publish कर रहे हैं, वो बहुत best होती हैं. Let me show you. They are like somewhere in my shelf. मैं आपको दिखाती. But वाकई from the paper quality with everything, this like a perfect book. बहुत economical भी बहुत ज़्यादा होती हैं readings की book. And it has like tiny graphics as well on the pages. तो पढ़ने में और भी ज़्यादा मज़ा आने लगा है. मुझे तो बहुत आया बेसिकली पढ़ने में. बस ई बुक में है ये, सो उसमें तो बिल्कुल भी मज़ा नहीं आता ई बुक में पढ़ने में. लाइक यू सी दीज ग्राफिक्स. सो या, इट्स अ वेरी प्रिटी एडिशन बाय रीडिंग्स अबाउट फेस्टिव सभी लग रहे हैं विद ऑल दैट क्रिसमस ट्री. सेम गोज फॉर सोफी किंसेला. मतलब द कवर्स आर इवन सो वाइब्रेंट एंड सो फेस्टिव. सो या, दीज आर द टू पिक्स विच आई एम रिकमेंडिंग टू यू ऑल. और अगेन डिस्क्रिप्शन में सब मेंशन है, आप लोग वहाँ से देख सकते हैं. और कल की जो वीडियो है वो भी बहुत फन होने वाली है. आई विल सी यू टुमारो विद समथिंग डिफरेंट एंड समथिंग एक्साइटिंग एंड फन. टेक केयर. अल्लाह हाफिज़.